Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. बच्चे जो आज हम टॉपिक करेंगे ना वो आपकी बुक्स में नहीं है. जो आज हम टॉपिक करेंगे वो आपकी बुक्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको 10 जेंडर्स नोटबुक में लिखवाऊंगी, वही आपके पेपर आएंगे. ओके और आप उन्हें अच्छे से लर्न कर लेना. सो राइट विद मी इन योर नोटबुक. बच्चे हम करेंगे जेंडर्स, ठीक है. जेंडर्स क्या होते हैं मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी, उससे आप समझ जाओगे कि जेंडर्स क्या होते हैं. लाइक बॉय गर्ल, ये दोनों क्या हैं? जेंडर्स हैं. मदर फादर, ये क्या है? जेंडर. सर मैडम जेंडर है. बॉय गर्ल हो गया. ब्रदर सिस्टर, ये भी क्या है? जेंडर्स हैं. तो जेंडर्स का मतलब क्या होता है? एक लड़का और एक लड़की, ठीक है. तो मैं अब आपको 10 जेंडर्स लिखवा रही हूँ. ये आपकी बुक में नहीं है, तो ये आपको 10 जेंडर्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ताकि आप क्या कर सको, पेपर में सीधे से मैं आपसे पूछ लूंगी, सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा जेंडर्स का, ठीक है. सो राइट फर्स्ट जेंडर. फर्स्ट जेंडर क्या है? बॉय, और उसका क्या आएगा? गर्ल, ठीक है. सेकेंड लिखो सर मैडम, ठीक है. थर्ड फादर मदर, फोर्थ सन डॉटर, फिफ्थ क्या है? लायन लायनेस. सिक्स्थ किंग क्वीन. सेवेंथ ब्रदर सिस्टर. ठीक है. एट्थ अंकल आंट. अंकल आंट. नाइन्थ
हॉर्स, मेयर। हॉर्स, मेयर, ठीक है। और टेंथ, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ठीक है। ये 10 जेंडर्स हैं जो आपके सिलेबस में आएंगे, यही आपके एग्जाम्स में आएंगे। आपको मैं सीधा पूछूंगी कि ब्रदर का क्या होता है जेंडर, आपको होगा सिस्टर। इनके अलावा कोई और जेंडर नहीं आएंगे, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे, हमने आज हम 10 जेंडर्स करेंगे। आप ये नोटबुक पे करोगे, आप ये नोटबुक पे लिखोगे, ओके। मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगी और आप इसको नोटबुक में लिखोगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इसके बाद हम करेंगे रिविजन। सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।